वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर. फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे 5 इंडियन क्राफ्ट बियर यू मस्ट ट्राई इन 2020. सो व्हाट इज क्राफ्ट बियर? क्राफ्ट बियर हमेशा स्मॉल बैचेस में होते हैं, बहुत बल्क में नहीं होता है. यूजुअली जो बियर हम लोगों को मिलता है वो बल्क में तैयार किया जाता है और उसको बॉटलिंग करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बट क्राफ्ट बियर का अगर बात करूं तो उसमें आर्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, उसमें फ्लेवर को इन्वॉल्व किया जाता है, यूनिक और डिस्टिंक्ट हो जाता है एक रेगुलर बियर से. उसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा कि मान लीजिए आप बैंगलोर टूर कर रहे हैं तो वहां पर कोई एक माइक्रो ब्रियरी में आपने एक बियर टेस्ट किया जो था मैंगो बियर, यूनिक टाइप बियर्स. अब क्या हुआ, आप जब मुंबई लौट आए तब वो मैंगो बियर अब ढूंढ रहे थे, बट मुश्किल ये है कि मुंबई में वो मैंगो बियर कोई भी माइक्रो ब्रियरी बनाता नहीं है. तब ये क्राफ्ट बियर काम आता है. मतलब तो कोई भी कंपनी उस क्राफ्ट बियर को अगर बॉटलिंग करके आपका शहर में मुहैया कराता है तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, है ना? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इंडिया में मिलने वाले बेस्ट 5 क्राफ्ट बियर का नाम. सो नंबर 5 में है बीरा व्हाइट, जो एक एल बियर है, एक लो बिटरनेस व्हीट बियर विद अल्कोहल कंटेंट ऑफ 4%. बीरा 91 बेसिकली अ क्राफ्ट बियर जो मैन्युफैक्चर करता है B9 बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015. कंपनी का फर्स्ट ब्रूरी देश का बाहर बेल्जियम में था, जहां एक क्राफ्ट डिस्टिलरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तौर से बेल्जियम, फ्रांस एंड हिमालय का इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए बियर को बनाया गया था. जब इंडिया में भेजा गया तो बहुत एप्रिसिएशन के साथ साथ अच्छा खासा सेल भी होने लगा था. देयर आफ्टर कंपनी ने बियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बनाया और सेम प्रोसेस को अप्लाई करके बियर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया. बीरा व्हाइट इज अ डिलीशियसली डिफरेंट व्हीट बियर जो बहुत कम बिटर है, जो ब्रू किया गया है फाइनेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, जिसमें हिंट ऑफ स्पाइसी सिट्रस के साथ साथ रिफ्रेशिंग सॉफ्ट फिनिश मिलता है. और प्राइस है 160 to 180 डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट आर यू बिलोंग टू. चलिए मूव करते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पर है सिम्बा व्हीट बियर. 2016 में एक क्राफ्ट बियर कंपनी इस कंपनी को शुरू किया था. तब दो वेरिएंट में सिम्बा बियर आपको मिलता था, एक था सिम्बा स्टाउट और एक था सिम्बा व्हीट. और अभी बहुत सारा वैरायटी ऑलरेडी मार्केट में मिल चुका है. दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये बियर बनके ऑल अक्रॉस इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है. सिम्बा बियर में जो व्हीट को यूज किए जाते हैं वो अनमॉल्टेड होता है और जिसके कारण बियर क्लाउडी लगता है. और इस बियर में अनमॉल्टेड व्हीट के अलावा ऑरेंज पिल, कोरिएंडर एंड लेमन ग्रास को यूज किया जाता है, जिससे आपको बिल्कुल अलग एंड यूनिक टेस्ट बियर मिलता है. सिम्बा व्हीट एक लाइट बियर है जिसका अल्कोहल परसेंटेज है 4 to 5% और प्राइस 150 से लेकर 170. अगेन वो डिपेंड करेगा स्टेट वाइज. अब नंबर 3, और नंबर 3 पे है कटी पतंग बियर. अगेन ये एक क्राफ्ट बियर है जो 2 वेरिएंट में मिलता है, एक है जेस्टी अंबर और एक है स्नैपी व्हीट. आज हम लोग एल बियर मतलब जेस्टी अंबर के बारे में बात करेंगे. ये एक भूटानी बियर है, 10,400 फीट पहाड़ के ऊपर इसका ब्रूरी है. और इंटरेस्टिंगली इसमें जो वाटर को यूज किया जाता है वो शुद्ध हिमालयन वाटर है, साथ में प्योरेस्ट हॉप्स एंड मॉल्ट को यूज करके कटी पतंग बियर को बनाया जाता है. कटी पतंग जेस्टी अंबर एक रिच एल बियर है. कलर इज गोल्डन विथ मीडियम कैरमल फ्लेवर. अल्कोहल परसेंटेज है 4% और इसका प्राइस जो है 200 से लेकर 230 रुपीज तक. थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है आपको एज एन इंडियन बियर, बट मैं बोलूंगा ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है. एक बात सोचिए कि एक बियर में 95% वाटर होता है और वो वाटर अगर कंप्लीटली प्योर वाटर को यूज करते हैं तो पैसा ज्यादा लेना जायज है. तो चलिए मूव करते हैं नंबर 2 पे, और यहाँ पर है पी आउल डियाब्लो जो एक आयरिश रेड एल बियर है. सो व्हाट इज आयरिश रेड एल बियर? सिंपल है, ये एक आयरिश एल बियर है जिसमें मॉल्टेड बार्ली जो है उसको ज्यादा रोस्ट नहीं किया जाता है, ज्यादा जैसे कि स्टाउट बियर में ज्यादा रोस्ट किया जाता है, बगैर यहाँ पर कम रोस्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है मॉल्ट का जो स्वीटनेस है वो तो निकल के आता है बट बिटरनेस बियर में ऐड नहीं होता है. तो इसीलिए इसको कहा जाता है आयरिश
रेड एल बियर। एल्कोहल परसेंटेज है 4-5%। ये एक लाइट बियर है। अगेन बेस पार्ट है कि इस बियर में कोई एडजंक्ट को नहीं यूज किया जाता है, ओनली मॉल्टेड बार्ली हॉप्स ईस्ट एंड वाटर। स्वीट एरोमा के साथ आपको मिल सकता है कैरामेल नोट, लेस बिटरनेस के साथ साथ आपको मिलता है रिफ्रेशिंग टेस्ट। प्राइस है 150 से लेकर 170 रुपीस तक। सो फाइनली नंबर वन पर मैंने रखा है व्हाइट राइनो आईपीए बियर को। आईपीए मतलब इंडिया पेल एल। इंडिया पेल एल बियर जो है ये बहुत फेमस है ब्रिटेन में और तो और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में भी, बट इंडिया में ऐसा कोई कंपनी था ही नहीं जो आईपीए बनाता हो। तो फिर व्हाइट राइनो सामने आया और आके एक कंप्लीटली इंडियन बियर बनाने लगा। अगर आपको परफेक्ट किक चाहिए तो इस ब्रांड को आप चुन सकते हैं बिकॉज ऑफ द एल्कोहल परसेंटेज। इसका एल्कोहल परसेंटेज कुछ हाई है, 6.3% ऑफ एल्कोहल। स्ट्रॉन्ग बिटर टेस्ट के साथ बिट ऑफ सिट्रसी नोट आपको फील करा सकता है। अगर आप सख्त लौंडे हैं तो ये बियर आपके लिए अल्टीमेट हो सकता है। प्राइस है इसका 200 से लेकर 230 रुपीस तक। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है बट मैं बोलूंगा बेहतर है। कम से कम आपको तो ब्रिटेन नहीं जाना पड़ेगा इसको पीने के लिए, इंडिया में तो मिल रहा है बैठे बैठे, तो दे दीजिए ना 230 रुपया, क्या हर्ज है। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।